सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। राम रहीम पर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। राम रहीम के करीबी ही अब उसकी पोल खोल रहे हैं। वैसे राम रहीम की बात हो और हनीप्रीत का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों ने बाप बेटी के पाक रिश्ते पर कलंक लगाया, वहीं अब इन पर नए और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राम रहीम के डेरे के पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तूर ने राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डेरे के एक पूर्व सेवादार ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि राम रहीम अपनी हनीप्रीत से एक बच्चा चाहता था, जिसे वो डेरे प्रमुख बनाया जाए। पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तूर का आरोप है कि ये आइडिया खुद हनीप्रीत का था। वो नहीं चाहती थी कि राम रहीम के बाद डेरा का उतना बड़ा साम्राज्य उसके बेटे जसमीत सिंह इंसा को मिले। गुरदास सिंह तूर के मुताबिक राम रहीम के बाद डेरे में हनीप्रीत का दबदबा नंबर दो जैसा बन चुका था, इसलिए वो चाहती थी कि राम रहीम और उसका कोई बच्चा हो तो वही डेरे का मुखिया बने। राम रहीम भी इसके लिए राजी था और चाहता था कि बच्चे के पिता का नाम दुनिया की नजरों में विश्वास गुप्ता ही रहे, लेकिन उनकी चाल भांप कर विश्वास ने पहले ही तलाक लेकर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते न्यूज चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।